वो है येलो लाइट सिस्टम की। ये जो येलो लाइट होती है इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाता है, अब देखें। ये मैं जैसे सिस्टम को ऑन किया है और इसकी ये लाइट देखें, ये येलो है और ये डिस्प्ले नहीं आएगा आप इसका जब तक ये लाइट ग्रीन नहीं हो जाती। जब इसकी लाइट ग्रीन होगी तो ये डिस्प्ले देगा, वरना नहीं देगा। तो इसमें ये तीन फॉल्ट हो सकते हैं। एक फॉल्ट इसकी पावर सप्लाई का हो सकता है, हो सकता है कि इसकी जो पावर सप्लाई है वो कम वोल्टेज दे रही हो, कम वोल्टेज की वजह से इसकी जो लाइट है वो येलो है। और दूसरे नंबर पर है इसका प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर ख़राब हो चुका है तो फिर भी इसकी लाइट जो है वो येलो होगी। अगर प्रोसेसर और पावर सप्लाई दोनों अगर ठीक होंगी तो फिर हो सकता है कि बोर्ड की खराबी हो। अब देखते हैं, हम एक एक चीज़ को चेक करके देखते हैं कि इसमें किस चीज़ की खराबी है। जी ये देखिए, अब हम इसकी पावर सप्लाई जो है वो तब्दील करके देखते हैं कि कहीं पावर सप्लाई का तो मसला नहीं है। देखिए पावर सप्लाई का भी मसला नहीं, तो पावर सप्लाई भी इसकी ठीक है, रिप्लेस की है। ये देखो येलो लाइट ही है, येलो लाइट दिखाई दे रही है, येलो लाइट है। इसका मतलब ये है कि इसकी पावर सप्लाई का मसला नहीं है, पावर सप्लाई ओके है। अब हम ये पावर सप्लाई को साइड पर रखते हैं और इसकी जो पावर सप्लाई पहले की लगी हुई है इसका मतलब है वो ठीक है। इसकी जो अपनी थी पावर सप्लाई वही लगाई है तो वही मसला है, येलो लाइट का ही है। तो इसका मतलब ये है कि पावर सप्लाई ठीक है। अब हम इसका प्रोसेसर चेक करते हैं कि प्रोसेसर का तो नहीं मसला। जी खोलते हैं, अब इसे निकालते हैं बैग। ये है प्रोसेसर, ये प्रोसेसर हम इसे रिप्लेस करते हैं और कोई और लगा कर देखते हैं। जी ये प्रोसेसर ये लगा के देखते हैं। जी आप पावर लगाने लगाओ, ये देख के नाल ये देख के, अब ये जो सिस्टम है ये ऑन हो गया, इसकी लाइट जो है वो ग्रीन हो गई है। ये देखें, ये कीबोर्ड में भी आ गया ट्रेंड, ठीक है। और इस मसले इस सिस्टम में जो मसला था वो था प्रोसेसर का, इसका जो प्रोसेसर था वो ख़राब था। जी ये था, ये नाज़रीन मसला था येलो लाइट का जो हमने हल कर दिया है। दो ही मसले मेन होते हैं, एक पावर सप्लाई का, अगर पावर सप्लाई ख़राब होगी उसके वोल्टेज कम हो गए तो फिर भी येलो लाइट का मसला आएगा, अगर प्रोसेसर ख़राब होगा तो फिर भी येलो लाइट का आएगा। अगर ये दोनों ठीक होंगे तो फिर जो बोर्ड होगा इसके अंदर कोई एक आधा पुर्जा जो होगा वो ख़राब होगा, अगर वो चेंज कर देंगे तो फिर भी येलो लाइट का मसला हल हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम।